दलितों और गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाले और स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारों पर चलने वाले सुभाष बिहारी ने वैसे तो दलित सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई पदों पर काम किया है, लेकिन जब से सुभाष बिहारी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस द्वारा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब से सुभाष बिहारी और भी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। सुभाष बिहारी लगातार किसान मोर्चा में लोगों को जोड़ने और जिला लेवल पर पद दे रहे हैं, लेकिन अब सुभाष बिहारी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक नई जिम्मेदारी और दे दी है। जी हां, आपको बताते चले कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने सुभाष बिहारी को श्रमिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने सुभाष बिहारी पर एक बड़ी उम्मीद जताते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि श्रमिक प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय स्तर तक और आगे लेकर जाएंगे। वही सुभाष बिहारी ने सबसे पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का तहे दिल से धन्यवाद किया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का वादा भी किया। और क्या कुछ कहा आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने करीबन 20 वर्ष के बाद, क्योंकि इस पार्टी का जब गठन हुआ तब सबसे पहला कार्य मुझे लेबर सेल का ही मिला था, मजदूर मोर्चा का कार्य मिला था, और जिस समय हमारे संगठन में मजदूर मोर्चा भी एक विंग है, ये राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष को भी इसकी जानकारी नहीं होती थी, उस समय मैंने मजदूर मोर्चा का पूरे देश में एक अलग पहचान बनाया और सभी विंग में सबसे मजबूत मोर्चा के रूप में मजदूर मोर्चा की पहचान होती थी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी होते थे। उसके बाद संगठन में अलग अलग जिम्मेदारी मुझे मिली, दलित सेना दिल्ली प्रदेश की भी जिम्मेवारी मिली, दलित सेना राष्ट्रीय संगठन महासचिव की भी जिम्मेवारी मिली, और संगठन मुझे अभी जनवरी में किसान मोर्चा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया, और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो हमारे साथ जिला से लेकर के और प्रदेश में उनको लाने का कार्य मैंने किया था। प्रदेश में मेरे साथ वो प्रदेश अध्यक्ष मेरे द्वारा ही बनाया गया था, जिनका पार्टी गतिविधि विरोध के कारण उनको पार्टी से बेदखल कर देने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगा कि जो मजदूरों और गरीब कमजोर तबके लोगों का आवाज़ को कौन बुलंद कर सकता है, क्योंकि मैंने इस संगठन को चलाया है, सजाया है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम पे विश्वास करते हुए इस संगठन की जिम्मेदारी दिया है। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।